नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल ग्राफिका हिंदी में। हाफ टोनिंग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने हाफ टोन क्यों जरूरी है इसको मैंने समझाया है, हाफ टोनिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने समझाया है। तो आपको ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो हाफ टोनिंग का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको कोरल ड्रॉ में प्रैक्टिकली इफेक्ट कैसे हाफ टोन की डालते हैं डिजाइन में, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाफ टोनिंग इफेक्ट कैसे देते हैं, ठीक है। अभी ये जो मेरा जो डिजाइन है ये मैं बना चुका हूँ, और अब मुझे इसे प्रिंटिंग के लिए हाफ टोन देना है। ये अभी बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये बिल्कुल भी डॉट्स मतलब कि हाफ टोन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है बिना हाफ टोन का डिजाइन। अब मुझे इसे हाफ टोन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, मैं इस डिजाइन को पूरी डिजाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद बिटमैप एंड कन्वर्ट टू बिटमैप, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहां पर मुझे क्या देना है, यहां पर मुझे ग्रे स्केल देना है, ग्रे स्केल एंड 300 dpi, ठीक है। और ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इसे आपको हटा देना है, ये बहुत जरूरी है, इसे हटा देना जरूरी है, नहीं तो आपका जो हाफ टर्निंग है वो सही से आएगा नहीं, ठीक है। तो ये डिजाइन अपना फ्लैट होना चाहिए ग्रे स्केल में। अब इसे मैं ओके कर देता हूं, अभी ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम हाफ टोन इफेक्ट देते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, बिटमैप में जाना होगा, मोड एंड ब्लैक एंड व्हाइट 1 bit, ये भी। अभी यहां पर आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो ये है हाफ टोन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी ये जो मेन्यू बता रहा है इसमें जो हाफ टोन है आपका स्क्वायर है, राउंड है, लाइन है, ये अलग अलग तरह से हाफ टोन पैटर्न बनती है इसमें। मोस्टली हम राउंड लेते हैं, तो मैं आपको राउंड लेके बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है पर इंच लेते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर इंच ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हाफ टोन पर इंच कितने डॉट्स आपको चाहिए वो यहाँ पर लिखना है, जैसे 40K, 50K, 60K, जैसा आपका प्रिंटिंग, जैसी आपकी क्वालिटी जो आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आपको वो लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ, ज़्यादातर स्क्रीन प्रिंट में 40 चलता है, तो मैं यहाँ पर 40 करके आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो फ्लैट था उसकी जगह ये अब हाफ टोन आ चुका है डिजाइन में, आप देखिए मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए इसको जूम आउट किया तो ये जो है डिजाइन पूरा हाफ टोन में बन चुका है, ये देखिए। इसको जूम करेंगे तभी क्लियर दिखेगा, जूम आउट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतने बड़े डॉट्स हैं, वो आप जूम करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके डॉट्स की साइज कितनी आ रही है, ठीक है। अभी ये तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन का। अभी सपोज कि मैं कोई कलर में डिजाइन दे रहा हूँ, तो कलर में आप कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ और इसको हम दे देते हैं रेड कलर, ठीक है। और दूसरा एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको हम दे देते हैं ब्लू कलर। अभी रेड जो होता है वो 100% मजेंटा और 100% येलो, इन दोनों कलर से मिक्स होकर बनता है, तो इसमें हाफ टोन नहीं बनेगा। ये शाइन कलर है वो भी 100% है, तो इसमें भी हाफ टोन नहीं बनेगी, क्योंकि 100% जो भी कलर रहेगा उसकी हाफ टोन नहीं बनती, वो हमेशा पैच रहता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाफ टोन अगर आपको देनी है तो डिज़ाइन में पैच नहीं होना चाहिए, कोई भी कलर 100% नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज है उसको हम कम कर देते हैं, इसको हम 40% कर देते हैं, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन ऐसा बना रहेगा
जब भी आप पहले बनाएंगे तो आपका कलर में ही बनेगा। तो आपको अगर हाफ टोनिंग देना है तो आपके ऐसे कोई भी रैंडम परसेंटेज हो गए वो इस तरह से होंगे। लेकिन आप जब स्क्रीन प्रिंट में देते हैं तो आपको इस कलर का, जैसे ये लाइट रेड हो गया, लाइट ब्लू हो गया, लाइट शाइन, तो आपको क्या करना होता है कि इन दोनों कलर के आपको अलग अलग फ्रेम बनानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन कलरों को आपको ब्लैक ब्लैक फील करना होगा। जैसे कि ये 30 और 35 है तो आपको क्या करना होगा, इसमें ब्लैक 35 देना होगा, ठीक है। 35 45 है तो आपको यहाँ पर 35 या 40 आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ये रेड का फ्रेम हो जाएगा जो लाइट रेड बनाया था, ठीक है, और एक फ्रेम लाइट ब्लू का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको ब्लैक में कन्वर्ट करना होगा। इधर हम 40 ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपने ब्लू के परसेंटेज लिए थे उसको अपन ने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया, जो रेड के परसेंटेज लिया था उसको भी हमने ब्लैक फिल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना होगा, सेम वही चीज, कन्वर्ट टू बिटमैप, ग्रे स्केल, ओके, और फिर यहाँ से बिटमैप मोर ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ से आपको हाफ टोन सिलेक्ट कर लेना है, लाइन या स्क्वायर जो भी आपको देना है या राउंड वो आप दे दीजिए। यहाँ से पर इंच मैं यहाँ पे 25 देता हूँ, ठीक है। और अभी इसको ओके कर दीजिए, तो ये जो है वो हाफ टोन तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये था हाफ टोनिंग इफेक्ट कैसे देना। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हमने किसी में शेडिंग दिया हुआ है लाइट टू डार्क इस तरह से, इस तरह से हमने किसी डिजाइन में शेडिंग दिया है, तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा, बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप, ग्रे स्केल, ठीक है, और सेम वही चीज, ब्लैक एंड व्हाइट, हाफ टोन, पर इंच 40। तो ये इस तरह से हाफ टोन का इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, समझ में आ गया हो ऐसी उम्मीद करता हूं, और फिर भी कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसकी कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।